पहली खबर का रुख कर लेते हैं जो है दिल्ली से जुड़ी, जहां आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी की जांच जो है वो तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पूछने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पूछताछ के लिए आज यानी कि 21 दिसंबर की तारीख दी गई है, लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 20 दिसंबर से होशियारपुर के गांव आनंदगढ़ स्थित मेडिटेशन सेंटर में 10 दिन के लिए विप शयना करने का कार्यक्रम बना लिया है। पिछली बार भी जब ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा था, तब भी उन्होंने चुनाव में प्रचार का बहाना बनाकर जांच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद में अब देखना यह है कि बार बार केजरीवाल के बहानों पर ईडी क्या कुछ कार्रवाई आज करती है। और अगर कोई शख्स बार बार समन का जवाब नहीं दे रहा है और ना ही पेश हो रहा है, तब ईडी सेक्शन 19 पीएमएलए के एक्ट के तहत उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत हो उसके खिलाफ तभी गिरफ्तार किया जा सकता है। वैसे झारखंड के एक मामले में ईडी हेमंत सोरेन को भी 7 बार समन दे चुकी है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री भी 1 बार भी पेश नहीं हुए हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो ईडी की तरफ से बार बार समन भेजा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे। हर बार कोई ना कोई बहाना जरूर वो लगा रहे हैं, जिसके बाद में अब आज इंतजार इस बात का है कि ईडी क्या वाकई कोई खास कोई अहम कदम उठाती है। बिल्कुल, ईडी को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पिछली बार भी चुनाव का उन्होंने बहाना किया, इस बार वो विपक्षना चले गए और ये कहा कि वो ईडी के समन पेश नहीं हो सकते। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो जांच है उससे बचना चाह रहे हैं, ईडी के जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, यही कारण है कि वो बार बार इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब आपने भी देखा है कि पीएमएलए के तहत जो धारा ईडी की धारा 19 है उसके तहत अगर जांच एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है तो वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ईडी पहले ये चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो, कई सारे जो सवाल है उनके जवाब मिल जाए, उसके बाद आगे का कदम उठाया जाए। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल बार बार इसी तरह से समन के सामने पेश नहीं होंगे तो ईडी कड़े कदम भी उठा सकती है। जी नीरज, जैसे कि हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते रहे हैं कि वो उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी की जहां बात की जाए तो वो बचते नजर आ रहे हैं। तो अगर ईडी कोई भी कार्यवाही करता है अब तो किस तरीके की कार्यवाही हो सकती है आगे सेक्शन 19 पीएमएलए के तहत, और क्या मुख्यमंत्री पद से भी उन पर कोई खतरा मंडरा सकता है? देखिए, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जो जांच ईडी कर रही है शराब घोटाले को लेकर उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, और अरविंद केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो अपने मामले में कोई भी आदमी जज नहीं हो सकता, ये न्याय का भी नियम है। और दूसरा, अगर आप देखें इसी तरह के जो आरोप है वो संजय सिंह और जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया वो भी लगा रहे थे, लेकिन आज आप देखें कि उनको कोर्ट ने जमानत तक नहीं दी है। तो यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि जब शराब नीति बनाई गई थी तो उनकी जो भूमिका है वो स्पष्ट तौर पर थी, कई सारी मीटिंग उनके सामने हुई और कई सारे शराब कारोबारियों से उन्होंने बात भी की, साउथ की लॉबी का जो पैसा आया है उसकी डिटेल पूरी जो ईडी है उसके पास है। यही कारण है कि वो ईडी के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन अगर बार बार अरविंद केजरीवाल ऐसी करेंगे तो ईडी सख्त कदम उठा सकती है, अरविंद केजरीवाल को बुला भी सकती है और अरविंद केजरीवाल के पास जा भी सकती है। अब ये देखना होगा कि ईडी अगली बार उनको पूछताछ के लिए बुलाती है तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बार बार ईडी के संबंध की अवहेलना निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किल ही बढ़ाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स नीरज हम सभी तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और बात करते हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है।